द्वितीय लहर करोना लॉकडाउन और शटडाउन रे प्रभावित गरीब अश्रमजीवी जीविका हराई दुर्दिन रे रहितबा परिवहन कर्मचारी को सरकारी सहायता प्रदान पई दाबी। द्वितीय लहर करोना संक्रमण रोकिबा पई सरकार तथा जिला प्रशासन पक्षरु गत दुई सप्ताह धरी लॉकडाउन जारी रहितबा बेले यहार प्रभाव एबे श्रमजीवी और गरीब लोकंक उपरे अधिक अनुभूत हेबारे लागिछि। तबे बालेश्वर रे अन्यान्य वर्गंक तुलना रे यात्री परिवहन कर्मचारी अवस्था अत्यंत दयनीय होइथिबा लक्ष्य करा जायछि। संप्रति बस चलाचल बंद होइथिबा बेले ड्राइवर कंडक्टर और हेल्परंक परिवार एबे संकट मध्यरे गति करुछन्ति। एभली स्थितिरे सेमानंक पई सरकारंक पक्षरु किछि सहायता व्यवस्था करा नजिबाकु नै परिवहन कर्मचारी संघ पक्षरु तीव्र असंतोष प्रकाश पाइछि। विशेषकर ड्राइवर हेल्पर और कंडक्टर माने घरोई बस चलाई आसुथबा बेले परिवहन कर्मचारी माने एबे दुर्दिन रे पड़िथिबा सेमाने कहिछन्ति। बस बंद थिबा बेले मालिक माने सेमानक कथा बुझनुथबा बेले परिवहन विभाग किंबा प्रशासन पाखरु कोनोसी सहायता न मिलिबा अत्यंत दुर्भाग्यर विषय बोली संगठनर कर्मकर्ता माने कहिछन्ति। ट्रांसपोर्ट वर्कर जो माने यात्री सेवार अछन्ति बहुत हैरान होछन्ति। अकथनीय दुर्दशा माने लोकार खाइबा पई नाही किए खाइबा बिना रास्ता रे परिवहन व्यापार करुची किए करुची एते अवस्था खराब। सरकार तरफ किसी प्रकार साहय ना सरकार तरफ ना मालिक तरफ क्या तरफ ना एटी गाड़ी स्टाफ रोचे रोसे कर मालिक मान कौन आम पाखर तो ना आम कौट आनी दबू कि आम मालिक मान बाध्य कर सरकार तरफ चाप पड़े से किसी आम कथा बुझे। बालेश्वर बस स्टाण को दैनदिन 210 बस आसे आउ राति गाड़ी 50 260 खंड गाड़ी स्टाफ आसे से स्टाफ आम कम से कम 1200-1400 स्टाफ हे से सब ये असुविधा चलुंट कहार खाइबाक ना किए करना किए दारू दार बहुत कष्ट चलुंट सबुठ बे असुविधा हूँ जो मैंने ये गाड़ी रोषेवास कर खाऊँ कथा जो मैंने जगी कथा भी कहीं बुझुना। प्रथम लहर करोना बेले राज्य और केन्द्र सरकार पक्षर् समाज विभिन्न वर्गर लोक कि सहायता प्रदान कर प्रतिदिन 24 घंटिया कार्य परिवहन कर्मचारी प्रति सरकार उदासीन देखाई आसी। गला थर आप ड्राइवर कंडक्टर हेल्पर मैंने जो भाया दुर्दशा उपभोग करते एथर जो महामारी आसा ताठू जोर से उपभोग कर बस खाइबा पाईना बर्तमान भी देखिए मानते ओली पिंडार बस स्टाण हेल्पर कंडक्टर ड्राइवर पड़ मालिक घर शोन प्रशासन कौन सी मानते तत्परता ना कौन किसी ना जहाद्वारा कि आप देखते ये बस स्टाण्र दोकान बजार घाटर हेल्पर मैंने पेंट पिंधि खाली गामछा पिंधि बुलूं ना मालिकर किसी अच्छी ना प्रशासन किसी अच्छी प्रशासन अच्छी जिते 10 दिन पूर्व प्रवासी आसते आरटीओ ए कलेक्टर ए एडीएम जा मैंने कंडक्टर हेल्पर ड्राइवर मानते जोरीमाना आदाय कर जोरीमाना आदाय कला बेलू प्रशासन अच्छी सरकार अच्छी किंतु गरीब लोक खटिकिया लोक जी पड़ी रास्ता कर मालिक अच्छी ना प्रशासन अच्छी ना सरकार अच्छी कहीं ना किसी ना धार उधार करके चलते किए रोसे कर किए छुआ पिला कौन अवस्था अच्छा से ट्रांसपोर्ट वाला जानते मर्णिंग अपार्टमेंट इवनिंग सस्पेंड सका कर्मचारी आम सन्दा चाकरी ना कि ये मालिक आमर ना पैसेंजर आमर ना सरकार आमर ना आरटीओ ऑफिस आमर केही आमर न आमे दिन मजुरिया जे आमे सेया। प्रत्येक परिवहन कर्मचारी को सर्वनिम्न मासिक 7,500 टंका और 10 केजी चाउल प्रदान पई निकट अतीत जिल्लापाल साक्षात कर संगठन पक्षर् दावी होता मात्र ए संपर्क में प्रशासन पक्ष कौन पदक्षेप नि प्रकाश कर गत वर्ष आरंभ कर मुख्यमंत्री परिवहन मंत्री पाखे परिवहन कमिश्नर पाखे मत धारणा देखू आम डिमाण्ड कर समय भी सुधा जिलापाल को 3-4 दिन पूर्व आम देखा करूँ जो मसक 7,500 टंका प्रत्येक स्टाफ मुंड पिछा पर 10 केजी चाउल करती सरकार आम मानक करते बर्तमान करोना समय जो स्टाफ मैंने असुविधार सम्मुखीन रही से बहुत किसी उपकार पाईपारे आम आशा करुच्छ गुहारि कर सरकार स्टाफ मान ड्राइवर कंडक्टर हेल्पर मानी 7,500 टंका करसक दिंतु और 10 केजी चाउल से दिखा। पूर्वरु एने ओडिशा परिवहन कर्मचारी महासंघ पक्षरु राज्य परिवहन मंत्री और परिवहन सचिवंक दृष्टि आकर्षण करा जायतला मात्र अद्यावधि सहायता प्रदान नै कोनोसी प्रकार पदक्षेप निया जाय नथिबा संघर कर्मकर्ता माने आरोप उठाइछन्दि। कोमानक पक्षरे दीर्घ दिन होला दाबी रखिछु जे
जो माने बस रे काम करुचंती आगे तांकू गोटे निजुक्ति पत्र दियो एटा मध्य आरटीओ ठारु आरंभ करिकरि मालिक पर्यंत सब जगह रे आमे गोटे दाबी मध्य रखितिलु महासंघ तरफ जेते बेले गाड़ी रजिस्ट्रेशन करिकरि परमिट हासिल होउछि सेते बेले पंजीकरण करो जे ये मोर ड्राइवर हेल्पर कंडक्टर आज पर्यंत सरकारी कौनसी व्यवस्था आज हेई पाला नाही एपरिकि परिवहन मंत्री सुशांत सिंह जेतेले थिले महासंघर गोटे बैठक होता से डाकिलु अतिथि करी आम कहीलु परिवहन श्रमिक मान समस्या को समाधान करने कि गोटे व्यवस्था करतु किंतु से सब चलीगला आज के दस वर्ष कि बेसी हम मनमोहन सिंह सरकार थी बेले आम सर्वभारत महासंघ दावी करता जे जो भिगिरी जितिय श्रम प्रतिष्ठान जड़े जे डर ए आर रेहमन को लेकर मनमोहन सिंह गोटे कमिटी करते परिवहन श्रमिकों समस्या उप से गोटे रिपोर्ट देला सी भी शीतल भंडार रहीगला ये अवस्था भितर मालिक कौन ये बुझे ये सरकार आईन भितर जदि परिवहन श्रमिकों समस्या को समाधान करने व्यवस्था न आसे ताले ये कौन सी प्रकार ये समाधान हो पार ना आम आंशिक भाव आम दाबी करुचु प्रशासन पाखे राज्य सरकार पाखे तमें लॉकडाउन करुचो किसी असुविधा ना तमें महामारी को रोकने करुचो किंतु जो माने असंगठित श्रमिक अच्छा परिवहन श्रमिक विशेषकर ऑटो पाखु आरंभ कर बस पर्यंत यात्री सेवार अच्छा जिते बड़े बसई दौच मासिक 7500 टंका एवं प्रत्येक मुंड पिछा 10 किलो चावल किंबा गहम परिवार को दियो। द्वितीय लहर में चली लॉकडाउन और शटडाउन जोगु परिवहन कर्मचारी अवस्था अत्यंत खराब आड़ जा सरकार तुरंत सहायता प्रदान संघ पक्ष दावी होई तो बस कर्मचारी साधारणत तो आपण तो गला जो करोना है प्रथम लहरी से आम कर्मचारी संगठन तरफ आम कलेक्टर जरिया मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री की लिखित आकार गाड़ी गुहारी जनईलु से परिप्रेक्षी आपणकर प्रत्येक संगठन को प्राय उनाधिके किछ साहाज्य देथले किंतु आमर यात्री परिवहन शिल्प रे काम करथुवा श्रमिक मानक प्रति कोनोसी प्रकार अनुकंपा सरकार को तरफ रु मिलि नथला कि प्रशासन मध्य से पई हस्तक्षेप करि नथिले किंतु वर्तमान द्वितीय लहरी भारत वर्ष रे जो प्रकार देखा दैछि ए समय रे आमर परिवहन शिल्प रे जो श्रमिक माने जो दुर्दशा भोगुचंती ता प्रति मध्य आमे कलेक्टर को 4 दिन पूर्व जाकि लिखित आकार जनईल आमर जो परिस्थिति आम पर श्रमिक मानी गोटे ये टीका जो वैक्सीन व्यवस्थापी से माने दायित्व निंतु से वर्तमान सुधा कौन सी व्यवस्था कले ना एवं आम जनईलु जे वर्तमान जो आम पर शिल्प श्रमिक रही बस रिच्छ बाहर आठ कम कर खाद्यपेय बहुत असुविधा सम्मुखीन होती मालिकों द्वारा हूँ कि निजे प्रशासन जरिया हो सेमानक पई खाद्यपेय व्यवस्था करवा उचित नमर श्रमिक श्रेणी बहुत असुविधार सम्मुखीन होती।